नमस्कार, बीसीए न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ही के दिन जर्मन भौतिक शास्त्री विलहेम कुनहार्ड रोजस्टान ने एक्सरे की खोज की थी। चिकित्सा इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। रोजस्टान ने मानव को त्वचा और मांसपेशियों को काटे बिना शरीर के अंदर झांकने की ताकत की थी। विलियम कुनहार्ड रोजेंटिन एक दिन सामान्य ढंग से कांच की नली के दोनों छोरों को तारों से जोड़कर विद्युत परिपथ पैदा कर रहे थे। इसी दौरान एक घटना घटी। रोजेंटिन की नली को काले कपड़े से लपेटने के बावजूद मेज पर हरे रंग की तरंग झिलमिला रही थी। जब देखा गया कि हरे रंग की ये तरंग अपारदर्शी पदार्थों को भेज जाती है तो हैरानी का ठिकाना न रहा। इस घटना का प्रायोगिक शोध करने के बाद रोजेंटिन ने इन्हें एक्सरे यानी अज्ञात किरणों का नाम दिया। जर्मनी में इन्हें वैज्ञानिक के सम्मान में रोजेंटिन किरणें कहा जाता है। 1901 में रोजेंटिन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस पुरस्कार के साथ मिली सारी धनराशि अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दी। रोजेंटिन की इच्छा का सम्मान करते हुए नई किरणों का नाम एक्स किरणें ही रखा गया, जबकि लोग चाहते थे कि इन्हें रोजेंटिन के सम्मान में रोजेंटिन किरणें कहा जाए। रोजेंटिन ने इन किरणों की खोज का पेटेंट भी कराने से इनकार कर दिया, ताकि उनकी खोज सारी मानव जाति के लिए समान रूप से फायदेमंद हो सके। 10 फरवरी 1923 को विलहेम रोजेंटिन की मृत्यु अंतड़ियों में कार्सिनोमा हो जाने के कारण हुई। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में खासा दिन के तौर पर दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस दिन रात 8 बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई। इससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रही। बाद में 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। देश में इससे पहले 16 जनवरी 1978 को भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने भी इन्हीं कारणों से 1000, 5000 और 10000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। कुछ खबरों के अनुसार यह योजना 6 महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली थी। योजना को लागू करने की प्रक्रिया 2 महीने पहले शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का आज 94वां जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को कराची यानी अब के पाकिस्तान में जन्मे आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक और वरिष्ठ नेता है। वह लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य है। उन्होंने 1998 से 2004 तक भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 10वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। वह 2009 के आम चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका परिवार विभाजन के दौरान भारत चला गया और बॉम्बे में बस गया, जहां उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आडवाणी ने फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी की। उनका एक बेटा जयंत और एक बेटी प्रतिभा है। उनकी पत्नी की मृत्यु 6 अप्रैल 2016 को हुई। 2014 लोकसभा चुनाव में वो आखिरी बार लड़े और 2019 तक सांसद रहे। आडवाणी 1941 में 14 साल के लड़के के रूप में आरएसएस में शामिल हो गए। वह कराची शाखा के प्रचारक बन गए और वहाँ कई शाखाएं विकसित की। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।